अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2023-24 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये है कि इस साल SSC और HSC रिजल्ट्स में NSIT के कुल 11 बच्चों ने टॉप किया है। NSIT क्लासेस में स्टूडेंट्स को बोर्ड की आंसर शीट पर प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए CCTV कैमरास और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई ब्रांच नहीं। NSIT एजुकेशन सेंटर अबव एक्सिस बैंक ATM नियर असरार होटल दरगाह रोड भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसकी एक बहुत ही बड़ी वजह है भ्रष्टाचार। और आज हम आपको भ्रष्टाचार का एक बहुत ही बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, क्योंकि फिलहाल मैं खड़ा हूँ भिवंडी के भंडारी कंपाउंड में। भंडारी कंपाउंड ये प्रभात समिति 4 के अंतर्गत आता है और यहाँ पे मेरे पीछे जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे तो तकरीबन ये 5,500 स्क्वायर फुट का जो स्ट्रक्चर है, और उससे ज्यादा 5,500 नहीं, ये कहीं ज्यादा जो है ना ये स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर मेरे पीछे आज आपको दिखाओगे कुछ हिस्सा डिमोलिश हुआ है, कुछ हिस्सा टूटा हुआ है। तो शुरू से शुरू करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसके ओनर है सैफुल्ला कुतुबुल्ला खान और अब्दुल्ला कुतुबुल्ला खान, ये दो भाई है, ये इसके ओनर है। इनकी ये मिल्कियत है, या हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर बन रहा था। अब ये अनधिकृत बांधकाम था और इलीगल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो इतना सारा तो बन गया है, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन को परमिशन तो नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए ताकत कहाँ से मिलती है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो हम कहेंगे कि महानगर पालिका की परमिशन होती है, वो ना होते हुए भी बनाना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना, तो ये यहाँ पे महानगर पालिका सोती रही या प्रभाग समिति सोता रहा। और जब 7 जुलाई, कल 6 जुलाई को जब भिवंडी के प्रशासक विजय मैसल साहब जब यहाँ पे आके उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने पाया कि ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर इलीगल है, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इसको कल के कल डिमोलिश करो। अब आज जब यहाँ पे प्रभाग समिति 4 की जो टीम है वो डिमोलिश करने के लिए आई, तो आप देख सकते हैं कि एक जरा सा हिस्सा जो है इनका डिमोलिश करके चली गए वो लोग, और पूरा के पूरा जो स्ट्रक्चर है वैसा के वैसा खड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि एक दिन में अगर हम डिमोलिश करते हैं, डिमोलिशन का काम शुरू करते, हाथ से तो तोड़ना नहीं, JCP द्वारा तोड़ा गया था, तो महज 15 मिनट का इन लोगों ने काम किया है। और 15 मिनट के काम में, 15 मिनट के डिमोलिशन में जो है इन लोगों ने करके एक खाना पूर्ति करके चले गए हैं, और पूरा के पूरा स्ट्रक्चर वैसा के वैसा इंटैक्ट खड़ा है। इंटैक्ट यानी कि उसको टच भी नहीं किया गया है, पूरा के पूरा स्ट्रक्चर जो खड़ा है, हम आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे। और इसकी क्या वजह हो सकती है, ये तो महानगर पालिका के जो अधिकारी वही जान सकते, वही बता सकते हैं कि क्यों सिर्फ इतनी सी कार्रवाई की गई, नाम मात्र कार्रवाई की गई, दिखाने के लिए कार्रवाई की गई है तो क्यों की गई है। इसका हमने महानगर पालिका के अधिकारियों से पूछा भी था, तो इसका कोई जवाब हमें मिला नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसी भ्रष्टाचार की वजह से जो है बाकी की चीजें जो है वो हम कहेंगे कि रुक जाती है, डेवलपमेंट रुक जाता है शहर का।
अगर सही से परमिशन लेके जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाए तो बहुत सारे महानगर पालिका को फायदा होता है, टैक्सेस आते हैं, फिर यहाँ पे कुछ हादसे होने के जो है खतरा कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन इसको न करते हुए लोग अपने निजी फायदे के लिए भिवंडी शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन किए जा रहे। साथ ही साथ देखो ये जो रस्ते की हालत है, अभी क्या कहे, ये कचरे उठाने वालों को सोचना चाहिए कि क्या उनको क्या कहे कि ये हालत है शहर की। तो दोस्तों इसका जवाब हम जरूर मांगेंगे, हम यहाँ के जो ओनर है उनसे मांगेंगे, या तो फिर प्रभाग समिति के अधिकारियों से मांगेंगे, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से इसका जवाब जरूर मांगेंगे, तलब करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि जो इसका बांधकाम जब पूरा ऑर्डर मिला था तोड़ने का तो सिर्फ इतना ही हिस्सा तोड़ के क्यों। और ये अक्सर हमने देखा गया है कि जहाँ पे भी तोड़क कार्रवाई होती है तो तोड़क कार्रवाई मात्र घंटे दो घंटे की होती है और उतनी भी नहीं होती है, और लोग चले आते बस दिखा के फोटो खींच के। तो ये चीज़ें कब तक के चलेगी और कब तक के जो है इनलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा मिलते रहेगा। हमारे साथ ऐसे बने रहे, मैं फिरोज मेहमान, थैंक यू।